नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे का विशेष अंक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस महा एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2024 की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि साल 2024 में 12 राशि के लोगों के लिए ये वर्ष कैसा जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की सावधानियां रखें, किन बातों का ध्यान रखें और इस साल को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष वालों के लिए साल सफलता से भरा हुआ है, साल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ है लेकिन बाकी साल में बहुत अच्छा रहेगा। इस साल वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है, बाकी कोई चिंता नहीं है। धन के और संपत्ति के मामले इस साल बढ़िया रहेंगे। हो सकता है कोई संपत्ति और कोई वाहन इस साल खरीदें। धन जरूर आएगा लेकिन धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखिएगा। नौकरी के मामले बहुत अच्छे हैं इस साल में। कारोबार का मामला भी अच्छा है लेकिन पैसा कहां लगा रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिश्तों के मामले में, प्रेम और विवाह के मामले में ये साल मध्यम है। रिश्तों और प्रेम संबंधों में इस साल थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और विवाह होने में भी थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इस साल के आरंभ में जनवरी से अप्रैल के बीच में प्रयास कर सकते हैं। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएं? पूरे साल एक नियम बना लीजिए कि रोज शाम को शनि मंत्र का आप जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, सड़क के कुत्ते होते हैं, उन्हें रोटी बिस्कुट ब्रेड खिलाते रहिएगा। आपका साल अच्छा है और भी अच्छा होगा। वृषभ राशि, ये साल आपके लिए सफलता दिखा रहा है लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका इस साल में मिला जुला रहेगा। कान नाक गला और हड्डियों को लेकर सावधान रहें। स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं ही रहेंगी, थोड़ा परेशान करेंगी। धन की स्थिति एवरेज होगी लेकिन पैसे आते रहेंगे, काम कोई नहीं रुकेगा, जरूरतें सारी पूरी होती रहेंगी। शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा से बचें और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कर्जा मत बांटिएगा। करियर की स्थितियां अच्छी हैं आपकी और जो पिछले दिनों आपने मेहनत की है उसका फायदा मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है और अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में नए काम की शुरुआत हो सकती है। विवाह होने में अभी इस साल में थोड़ा विलंब है। प्रेम संबंधों में दिक्कत हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो उस मामले में आपको फायदा हो सकता है। क्या होगा इस साल का उपाय? वृषभ राशि के लोग पूरे साल बृहस्पति देव के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, रोज सुबह 108 बार, और हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करेंगे। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन वालों के लिए साल 2024 जीवन में मिक्स रिजल्ट दे रहा है, मिश्रित परिणाम दे रहा है, कुछ में अच्छा और कुछ में निगेटिव। स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, लीवर की समस्या, कार्डियो प्रॉब्लम, हृदय रोग आपको परेशान कर सकता है। अपने खान पान में और रूटीन में सुधार रखना इस साल जरूरी होगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और संपत्ति संबंधी अगर कोई प्लानिंग है, पुरानी संपत्ति बेच के नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, संपत्ति का कोई विवाद है या नई संपत्ति लेना चाहते हैं, ये सारे काम इस साल आपके बनेंगे।
कर्ज आपका कम होगा और धन लगातार आता रहेगा, धन का प्रेशर भी कम होगा। कारोबार और नौकरी में स्थिरता आएगी, प्रमोशन, ट्रांसफर और उच्च पद की प्राप्ति इस साल आपको अवश्य होगी। रिश्तों के मामले में ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, टूटे हुए रिश्ते, दूर गए रिश्ते इस साल जुड़ सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के आरंभ में आप प्रयास कर सकते हैं, आपका विवाह हो सकता है। तो साल में मिथुन वाले केवल अपने स्वास्थ्य के पार्ट पर अगर ध्यान दें तो बाकी मामले मिथुन वालों के लिए इस साल में बहुत अच्छे हैं। क्या उपाय है? पूरे साल रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः, और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले तैयार हो जाएं, ये साल उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कराएगा और राहत की बात यह है कि ज्यादातर परिवर्तन उनके लिए अच्छे होंगे। समस्या कहां है? स्वास्थ्य के लिए साल अच्छा नहीं है, हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। बेवजह का तनाव, बेवजह का डिप्रेशन जैसा आपको फील हो सकता है और बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति एवरेज रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, धन आएगा लेकिन अचानक से खर्च भी होगा, आकस्मिक खर्चे परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में, नई संपत्ति, नई गाड़ी खरीदने के मामले में आपका पैसा खर्च होगा। करियर का मामला राहत देने वाला है, साल के आरंभ में ही करियर में आपको बेनिफिट, फायदा होता दिखाई दे रहा है और साल खत्म होते होते आपका करियर एक्सीलेंट हो जाएगा, मनचाही स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो कारोबार की समस्याएं इस साल नहीं रहेंगी, कारोबार बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, रिश्तों को इस साल संभालना होगा, अपने मित्रों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और अपनी संतान के साथ। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के मामले में भी अप्रैल के बाद आप थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आपकी राशि कर्क है तो पैसे का मामला एवरेज, स्वास्थ्य का मामला गड़बड़, लेकिन करियर का मामला और बाकी मामले इस साल को बहुत बेहतर आपके बना देंगे। और बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें? पूरे साल शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के जीवन में एकदम से नई चीजें होंगी इस साल, कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, लेकिन नई चीजें शुरू हो जाएंगी। ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए मध्यम है, बुरा नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे छाती का, लंग्स का, हड्डियों का और ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बेवजह की चिंता और अवसाद, डिप्रेशन जैसी फीलिंग रह सकती है, एक्चुअल डिप्रेशन नहीं लेकिन एक मन में चिंता का भाव इस साल में रह सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, रूटीन को रास्ते पे ले आइए, चीजें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। धन के मामले में साल अच्छा है, धन आपके पास रेगुलर आता रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, कारोबार बढ़िया बना रहेगा, कर्ज की स्थिति आपकी दूर होगी, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा और फंसा हुआ, रुका हुआ धन भी इस साल आपको प्राप्त होगा। कारोबार के मामले में बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कारोबार की जगह बदल सकते हैं, कारोबार में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह की संभावना सिंह वालों के लिए बन रही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से इस साल होगा, ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए। और अगर आप नौकरी के लिए एग्जाम दिए हैं, नौकरी पाने के लिए आपने कॉम्पिटिशन दिया है, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, नौकरी की परीक्षा में सफलता मिलेगी।
अपने रिश्तों का ध्यान जरा दीजिएगा, वैवाहिक जीवन का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। अगर आप अविवाहित हैं, अच्छी खबर है, विवाह इस साल हो सकता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस साल संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए आरंभ में जरूर बन रहे हैं। तो सिंह वालों को थोड़ा सिस्टम में चलना है इस साल में, और अगर आप सिस्टम में चलेंगे तो साल आपके लिए बढ़िया होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करिएगा, रोज सुबह जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का, सूर्याष्टक का पाठ करिए और नियमित रूप से मिश्रित अनाज का और मोटे वस्त्रों का दान करते रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या वालों के लिए साल लाभकारी है, अच्छे संकेत दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में इस साल में सुधार होगा और धीरे धीरे सेहत की मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी, स्थितियां सुधर जाएंगी। हालांकि इस साल के अंत में कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, हो सकता है शरीर में कोई छोटी मोटी गांठ हो या स्टोन जैसा कुछ हो, तो छोटा मोटा कोई माइनर ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। इस साल आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है और स्थान परिवर्तन के बाद आपके लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा और संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के मामले में और पारिवारिक मामलों में इस साल आपका पैसे का खर्च बढ़ेगा। करियर की अगर बात करें तो करियर इस साल में अच्छा रहेगा, करियर के साथ बेहतर शुरुआत है। नौकरी वालों के लिए भी, व्यापार वालों के लिए भी साल अच्छा है, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई है आपके लिए, रिश्तों में बिखराव हो सकता है, टूटन आ सकती है, अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखने में ही बुद्धिमानी है। अगर अविवाहित हैं तो अभी विवाह तय तो हो सकता है, बात फाइनल इस साल हो सकती है, लेकिन विवाह होने में अभी इस साल में विलंब दिखाई दे रहा है। तो कन्या वाले क्या उपाय करें इस साल की साल अच्छा हो? साल तो अच्छा है, चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़े से झंझटों के बाद क्या उपाय करें? पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें, बहुत अच्छा है। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें और नियमित रूप से गुड़ का और मीठी चीजों का दान करें, खासतौर से मंगलवार को अगर दान करें तो बहुत बढ़िया होगा। तुला राशि। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं इस साल, बहुत सारी चीजें ऊपर जाएंगी और बहुत सारी चीजें नीचे आएंगी। स्वास्थ्य में, जीवन में बड़े सारे उतार चढ़ाव होंगे। स्वास्थ्य के लिए साल संवेदनशील है, स्वास्थ्य में इस साल में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पेट की, लिवर की, नसों की, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। देखिए, अगर दिक्कत होती है डॉक्टर से संपर्क करिएगा, खुद की दवाइयां मत खाइएगा, स्वयं की चिकित्सा नहीं करेंगे, नशे से बचाव करेंगे। धन की स्थिति मध्यम रहेगी, धन आता रहेगा, लेकिन बेवजह फिजूल खर्ची मत करिएगा, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान रखिएगा। परिवार के सहयोग से इस साल थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का फायदा आपको हो सकता है। नौकरी और कारोबार के मामले में लापरवाही गंभीर होगी, उसमें थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। नौकरी में लापरवाही करेंगे, नौकरी छूट सकती है, लंबे समय तक बिना नौकरी के बैठना पड़ सकता है। इस साल प्रेम की और रिश्तों की समस्या हल होगी, परिवार और रिश्तों के सहारे से मजबूती मिलेगी। अगर अविवाहित हैं या विवाह फाइनल हो गया है तो इस साल में पक्के तौर पर आपकी शादी होगी। और सबसे बढ़िया बात तुला वालों के लिए इस साल में ये है कि जीवन में एक रिश्तों को और परिवार को लेकर खुशहाली आएगी। सिर्फ उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और नौकरी को बड़ी जिम्मेदारी से निभाना है, बढ़िया रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा रोज सुबह, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, और नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
वृश्चिक राशि, ये साल मिला जुला है आपके लिए। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला रहेगा ये साल। हृदय रोग का ध्यान दें, आंतों का, इंटेस्टाइन का, बुखार होने का ध्यान दें। खास तौर से आपको पेट में कोई और दिक्कत ना हो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। वाहन आराम से चलाना है, खेल कूद में ध्यान रखना है, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह टाइफाइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। धन के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव साल की शुरुआत में तो है, लेकिन आगे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। धन की थोड़ी बहुत समस्या शुरुआत में रहेगी, शुरू में ही रहेगी, बाकी साल नहीं रहेगी, और आपके परिवार की सहायता से या मित्रों की सहायता से आप धन की समस्या को काबू में कर लेंगे। इस साल प्रॉपर्टी खरीदने की, नई प्रॉपर्टी बनाने की ये संभावना आपके लिए बन रही है। देखिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं, कोई रिस्क इस साल में मत लीजिएगा। इस साल में नौकरी में रिस्क लेना मुश्किलें पैदा करेगा आपके लिए। हो सकता है कि नौकरी छूटे और आप मुश्किल में आ जाएं। व्यापार अच्छा रहेगा, अपना काम करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, समस्याएं समाप्त होंगी और धन निरंतर आता रहेगा। देखिए, इस साल जीवन में रिश्तों का ध्यान रखिएगा, खासतौर से आपके भाई बहन जो हैं उनके साथ और जीवन साथी के साथ। अगर अविवाहित हैं तो अच्छी खबर यह है कि साल मनचाहे विवाह हो जाने के योग आपके लिए बनते हैं। संतान प्राप्ति अगर चाहते हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, संतान प्राप्ति के मामलों में अभी इस साल में विलंब है। तो वृश्चिक वालों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेहतर होते चले जाएंगे। क्या उपाय करेंगे इस साल में? पूरे साल शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का अगर दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए परिवर्तन इस साल में बहुत सारे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी परिवर्तन हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, डिप्रेशन कम होंगे, फिट रहेंगे। लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है या हृदय में कोई दिक्कत महसूस होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा, कार्डियो प्रॉब्लम के मामले में सावधानी रखिएगा। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर रहेगी, रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिल जाने की संभावना इस साल में आपकी बनती है। धन आएगा, सही इन्वेस्टमेंट करिएगा, जहां तक संभव हो अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा सतर्क रहेंगे। नौकरी इस साल अच्छे संकेत दिखा रही है, ट्रांसफर होना, इंप्रूवमेंट होना, स्थान परिवर्तन होना लगभग निश्चित है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। इस साल आकस्मिक रूप से प्रमोशन हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना या कोई अच्छा पद मिल जाना, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं, उनके विवाह में अभी विलंब होगा। तो धनु राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में इस साल में गलतियां मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः पूरे साल भर जपिएगा, और मिश्रित अनाज, मिक्स अनाज या मिक्स दाल ले लीजिएगा। हर शनिवार को थोड़े से मिश्रित अनाज और वस्त्रों का दान जब भी आपको मौका मिले आप करते रहेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, पिछले साल की तुलना में ये साल जरूर राहत वाला है, बेहतर है। स्वास्थ्य शुरुआत में थोड़ा मध्यम है और साल की शुरू में छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे सर्दी जुकाम, सर दर्द, आंखों की समस्या, ये सब थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन ज्यादातर जो समस्याएं मकर वालों को साल के आरंभ में दिख रही हैं वो ज्यादातर समस्याएं उनकी मानसिक हैं, मेंटल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है।
तनाव का ध्यान रखिए, वो जरूरी है आपके लिए। धन की स्थिति अच्छी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज आपके कम होंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। धन का मैनेजमेंट ठीक से करिए और फिजूल खर्ची से इस साल बचने का प्रयास करिए। नौकरी की बात करें तो साल की शुरुआत में कोई नई नौकरी मिल जाए, नौकरी में आप कोई बड़ा बदलाव कर दें या बड़ा बदलाव अपने आप हो जाए ऐसा लगता है, और जो भी बदलाव होगा उसमें जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बड़े पद की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो कारोबार की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा, उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो रिश्ते हैं आपके उनको थोड़ा संभालिए, अपने व्यवहार को थोड़ा सॉफ्ट करिए, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधों के साथ शांति से प्रेम से रहिए, वरना रिश्ते खराब होंगे। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो साल के मध्य से संतान प्राप्ति के योग हैं। विवाह के योग अभी इतने ज्यादा प्रबल इस साल में नहीं है, बहुत प्रयास करने पे छोटी सी संभावना बन सकती है, ज्यादा बड़ी संभावना नहीं है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनिवार की शाम को दीपदान करें, बहुत बढ़िया होगा। कुंभ राशि, मिला जुला साल है आपके लिए, मध्यम साल दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता, स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव बन रहा है, व्यर्थ की चिंता और तनाव से आपको परेशानी हो सकती है, पेट, लीवर और हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के एक तो थोड़ा अलर्ट रहिए, दूसरा बेवजह चिंता मत करिए, तीसरा अपने रूटीन का ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी मध्यम रहेगी, लेकिन कर्ज चुकाने में और स्वास्थ्य को बेहतर करने के मामले में काफी पैसा खर्च होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, इसलिए आप पैसों को लेकर बहुत मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, चीजों को बड़ी आसानी से, बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। करियर में नए लोगों के साथ जुड़कर कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं इस साल, ऐसा लगता है। व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार को बढ़िया से प्लान करिए, लाभ बढ़ेगा। नौकरी में अचानक से आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब भी निर्णय लें बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। रिश्तों का मामला आपके लिए बहुत अच्छा है, रिश्तों के मामले में इस साल आप ईमानदार होंगे, जिम्मेदार होंगे, रिश्तों की उलझन और गलत फहमियां दूर होंगी। अगर अविवाहित हैं तो इस साल आपका मन चाहा विवाह निश्चित रूप से हो सकता है, उसकी प्रबल संभावनाएं इस साल में आपके लिए बन रही हैं। अब देखिए, कुंभ वालों को मुख्यतः स्वास्थ्य का ध्यान देना है, प्रेशर कम लेना है, और कोई भी बड़ा परिवर्तन या बड़ा काम करियर वाले मामले में करने जा रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर करिएगा तो अच्छा होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, और नियमित रूप से बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान, केला है, चने की दाल है, सोना है, इसका अगर आप दान करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के बहुत सारे रुके हुए काम इस साल में निपटते हुए दिखाई देते हैं। पहले स्वास्थ्य समझ लें, स्वास्थ्य आपका मिला जुला है, छोटी समस्याएं हैं, लेकिन आप उसको नजरअंदाज मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। मोटापे का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें और डाइजेशन का ध्यान रखें। धन की स्थिति बहुत अच्छी है इस साल में, कर्ज आपका दूर होगा, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा, लेकिन पैसा तेजी से आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप खर्च करेंगे, धन के खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पुरानी संपत्ति बेच करके कोई नई संपत्ति खरीदें, किसी नए स्थान पर शिफ्ट हो, इस साल ये संभावना आपके लिए बन रही है। नौकरी और कारोबार दोनों स्टेबल रहेगा, बढ़िया चलेगा आपका। और देखिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो कारोबार में या नौकरी में बदलाव मत करिएगा। रिश्तों और प्रेम संबंधों के मामले में दिक्कत हो सकती है, खासतौर से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, सतर्क रहें।
पुराने रिश्तों को संभालिए, खासतौर से परिवारजनों को जीवन साथी के साथ ईमानदार रहिए। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो पाना इस साल कठिन है, और मैं मीन वालों को विशेष रूप से कहूंगा कि इस साल का सही इस्तेमाल करिए, अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, और अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें रोज शाम को तो आपके लिए अच्छा होगा, और नियमित रूप से पूरे साल भर में खाने पीने की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। यह तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, हम सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्कार।